भारत को लूटने और इस पर कब्जा करने के लिए पश्चिम के रेगिस्तानों से आने वाले मजहबी हमलावरों का वार सबसे पहले सिंध की वीर भूमि को ही झेलना पड़ता था। इसी सिंध के राजा थे दाहर सेन, जिन्होंने युद्ध भूमि में लड़ते हुए प्राणाहुति दी। उनके बाद उनकी पत्नी, बहन और दोनों पुत्रियों ने भी अपना बलिदान देकर भारत में एक नई परंपरा का सूत्रपात किया। सिंध के महाराजा के असमय देहांत के बाद उनके 12 वर्षीय पुत्र दाहर सेन गद्दी पर बैठे। राज्य की देखभाल उनके चाचा चंद्रसेन करते थे, पर 6 वर्ष बाद चंद्रसेन का भी देहांत हो गया। अतः राज्य की जिम्मेदारी 18 वर्षीय दाहर सेन पर आ गई। उन्होंने देवल को राजधानी बनाकर अपने शौर्य से राज्य की सीमाओं का विस्तार कंधार, कश्मीर और कच्छ तक किया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने एक विशाल सेना लेकर सिंध पर हमला किया। मोहम्मद बिन कासिम ने देवल के किले पर कई आक्रमण किए, पर राजा दाहर सेन और हिंदू वीरों ने हर बार उसे पीछे धकेल दिया। सीधी लड़ाई में बार बार हारने पर मोहम्मद बिन कासिम ने धोखा किया। 20 जून 712 ईस्वी को उसने सैकड़ों सैनिकों को हिंदू महिलाओं जैसा वेश पहना दिया। लड़ाई छिड़ने पर वे महिला वेशधारी सैनिक रोते हुए राजा दाहर सेन के सामने आकर मुस्लिम सैनिकों से उन्हें बचाने की प्रार्थना करने लगे। राजा ने उन्हें अपनी सैनिक टोली के बीच सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और शेष महिलाओं की रक्षा के लिए तेजी से उस ओर बढ़ गए जहां से रोने के स्वर आ रहे थे। इस दौड़ भाग में वे अकेले पड़ गए। उनके हाथी पर अग्नि बाण चलाए गए, जिससे विचलित होकर वह खाई में गिर गया। यह देखकर शत्रुओं ने राजा को चारों ओर से घेर लिया। राजा ने बहुत देर तक संघर्ष किया, पर अंततः शत्रु सैनिकों के भालों से उनका शरीर शत विशत होकर मातृभूमि की गोद में सदा के लिए सो गया।